हिजाब क्यों नहीं पहनती? तेरा उम्र नहीं तो तू अभी ऐसे क्यों घूमती है जैसे कि लगता है कि वेश्या की तरह। तेरी माँ शेख हसीना इंडिया चले गए, तुझको क्यों नहीं ले गए? तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया नहीं? मेरा बाल यहाँ से यहाँ से पीछे से इधर से उधर से वो कैंची जो था मेरे घर पे मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ वो दवाई काटने के लिए मैं यूज करती हूँ वहाँ पे रहते तो वो कैंची उठा के मेरा बाल काटा तो वो पेंसिल उठा के उसी से मेरे पैर में दबाना शुरू किया। हिंदू छोड़िए जनाब, बांग्लादेश में मुस्लिम महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है और ये वीडियो इस बात की बानगी है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ कितना हावी है और कट्टरपंथी किस हद तक गिर सकते हैं। वीडियो में दिख रही महिला मुस्लिम वकील है जिन्होंने कट्टरपंथियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की डरावनी आपबीती सुनाई है। इनका नाम तुरीन अफरोज है। तुरीन वही वकील है जिन्होंने साल 1971 के युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने वालों के खिलाफ मुकदमे की देखरेख की थी। तुरीन अफरोज ने बताया कि 5 अगस्त को हुई हिंसा में उनके घर को भी निशाना बनाया गया था। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कट्टरपंथी तुरीन के ढाका स्थित घर में घुस गए थे जहां उन्होंने पहले तो हिजाब पहनने की धमकी दी, फिर वैश्या जैसे अपशब्द कहे, कैंची से बाल काटे, पेंसिल से पैर में घाव किए और फिर वीडियो बनाने की ना जाने कैसी कैसी धमकी देने लगे। इन सब पर तुरीन अफरोज ने अपना डरावना अनुभव शेयर किया है। मैं बैठ के टीवी देख रही थी मेरे बेडरूम पे, वैसे अचानक वहाँ पे दो बंदे आए, दो लड़का उम्र 18 से 25 के अंदर होगा, जीन्स और टी शर्ट पहन के आके बोला कि मैडम आपके साथ बात कर सकते हैं? तो मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल बताइए, क्योंकि मैं घबरा गई। मेरी बेटी जो है वो मेरे साथ रहती है, उनकी उम्र 16 है, मेरे घर पे जो मेरी लड़की रहती है उनकी उम्र 25 है। मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ, ये लोग अंदर कैसे आए और मेरे बेडरूम तक कैसे आए। सो मैंने बोला हाँ बाबा बोलिए, बाबा इज लाइक टेलिंग योर डॉटर सन कि बेटा क्या है क्या बोलो। देन दे जस्ट चेंज द टोन एंड टोन चेंज करके वो बोलने लगा, तू हिजाब क्यों नहीं पहनते? तेरा उम्र नहीं हुई तो तू अभी ऐसे क्यों घूमती है जैसे कि लगता है कि वेश्या की तरह? और तेरी माँ शेख हसीना इंडिया चले गए, तुझको क्यों नहीं लेके गए? तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया नहीं? तो मैं उसी टाइम बहुत ठंडे दिमाग से सोचा कि भाई मैं इनके हाथ में हूँ, अभी इनके साथ लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। तो जो भी बोला मैंने उसी का उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आया। मैंने बोला कि बाबा शेख हसीना जाने से पहले मुझे फोन भी नहीं दिया मेरी माँ ने, और मेरी बाबा मोदी मुझे बुलाया भी नहीं, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं तो यहाँ पे हूँ, यहाँ से यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रहूंगी। तो तभी उन्होंने आके बोला कि हाँ हिजाब पहनना तो तेरे लिए जरूरी है, तो अभी चलो ऐसा हालत करते हैं कि अब हिजाब पहनना तेरे लिए जरूरी पड़ जाएगा। तो अब मेरा बाल यहाँ से पीछे से इधर से उधर से वो कैंची जो था मेरे घर पे मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ वो दवाई काटने के लिए मैं यूज करती हूँ वहाँ पे रहते हैं, तो वो कैंची उठा के मेरा बाल काटा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया है क्योंकि अभी मैं हिजाब पहनूंगी, ये तो अभी तो कंपल्सरी। तुरीन ने बताया कि घर में घुसे कट्टरपंथियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच की थी, वो बहुत बुरी तरह पेश आ रहे थे, घर में 16 साल की बेटी भी थी, मैं डरी हुई थी। इस दौरान कट्टरपंथियों ने कहा कि तू देश छोड़कर नहीं जाएगी, बांग्लादेश में ही रहेगी। इस पर तुरीन ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और डरी हुई जुबान में कहा, मैं मर भी जाऊंगी पर बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुरीन ने बताया कि अगर मैं उनकी बात पर सहमति नहीं जताती तो मेरी हत्या तक कर सकते थे। बोला तो तू देश छोड़ के नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी इस देश में, अभी तो इस देश हमारी
इसमें है। तो मैंने बोला कि नहीं, कहाँ जाऊंगी मैं, बांग्लादेश में रहूंगी। तो बोले कि वहां से पेंसिल उठा के, जो मैं बेटी को पढ़ाती हूँ तो अंडरलाइन कर देती हूँ, तो वो पेंसिल उठा के उसी से मेरे पैर में दबाना शुरू किया और बोला कि हाँ अभी थोड़ा पैर को रेस्ट दे, तू तो बाहर नहीं जाएगी तो यहाँ पे रह के अभी रेस्ट दे, इधर उधर मत घूम। मैंने बोला बहुत अच्छे। लेकिन उन्होंने फिर आधे घंटे के करीब थे, उन्होंने मेरे साथ बातें की अबाउट वार क्राइम्स ट्राइब्यूनल, कि इस ट्राइब्यूनल में जो भी हुआ वो बिल्कुल सब गलत था, ये सब फेक केसेस है, फेक विटनेसेस है, सब कुछ। मैंने सब एग्री करके बोला हाँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप इसके लिए शर्मिंदा हो जो किया है प्रोसिक्यूटर बन के। मैंने बोला हाँ, तो फिर लाइव में जाके, फेसबुक लाइव में जाके बोलो, हम तुमको एक पेपर देंगे, वो पढ़ के सुनाओ सबको और बोलो कि हम पूरे नेशन के सामने मैं माफी चाहती हूँ। बता दें कि बैरिस्टर तुरीन अफरोज इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की चीफ प्रोसिक्यूटर रही हैं। उन्होंने अलबद्र, जमात इस्लामी और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े युद्ध अपराध के आरोपियों को मृत्यु दंड दिलाने का काम किया था। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।